नमस्कार साथियों, मैं SS महादेवी बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के महासचिव। आप लोग का सभी का AGDC यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। साथियों, पहले वीडियो में भी मैं बोला था, रिक्वेस्ट किया था, अभी आज 3 तारीख है, आज शाम को हम लोगों आपसे अंतिम रूप से निवेदन कर रहा है, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है। साथियों, दोनों यूनियन की तरफ से हम लोग डिपार्टमेंट का बता दिया है, डिपार्टमेंट टू DG साहब ने हम लोग का 29/9/2023 का हम लोग का एक दोबारा अपील किए था। इस अपील में हम लोग आपका मांगों पर सारे हम लोग पॉजिटिव है। 19 अक्टूबर का हम लोग मीटिंग, एक पीरियडिकल मीटिंग है, हमारा 7 दिन इस विषय कभी चर्चा करेगा करके, इसके बाद हम लोग दोनों यूनियन की तरफ से बात करके फाइनली हम लोग रिप्लाई दे दिया है। ये आप लोग स्पष्ट रूप से कोई हम लोग का अश्योरेंसेस, और अभी तक उन्होंने क्या पहले अश्योरेंसेस दिए थे, इसका मुताबिक बहुत 2-3 ऑर्डर आ जाना चाहिए था, लागू हो जाना चाहिए था, उन ऑर्डरों का डिले किया है। यदि आगे बात करे करो तो ये नहीं, कभी भी ये नहीं होगा। हमारा AGDSU का संघर्ष का बड़ा एक इतिहास है, इसमें हम लोग कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाया है। आप पूरा बिना भरोसे से वापस आ जाओ, ये कभी ऐसे परिस्थिति नहीं है। आज GDS हम लोग संगठित बहुत तो अच्छा माहौल बन चुका है। अभी आप लोग का मालूम होगा 10 अगस्त को हम लोग डिवीजन लेवल पर शानदार धरना, देश भर में बहुत उत्तेजनकारी धरना था। इसी तरह सितंबर कभी अच्छा धरना प्रोग्राम बहुत सर्कलों में शानदार तरह के हुआ था। खुद में तमिलनाडु में भाग लिया था। अभी एक दिन का अंतराल है हमारा इस चरण में, अगली चरण है इंडपेंडेंस ड्राइव के दिसंबर महीने में। साथियों, मैं ये निवेदन करता हूँ कृपाचर के सारे GDS बढ़चर के हड़ताल में ले भाग ले, क्योंकि नया लोग भी कोई डरने का जरूरत नहीं। सभी हम लोग GDS का बहुत मुद्दा, इम्पोर्टेंट मुद्दा हम लोग रखा है नंबर वन पर, 8 आवर काम, 8 आवर का सभी सुविधा और पेंशन इत्यादि, बाकी कुछ डिपार्टमेंट का इंक्लूडिंग आज भी आप लोग देख रहा है सारे जगह में दोबारा हैंडल डिवाइसेस का नाम से एक फोन कट कर रहा है। हमारा पहले लिखा गया था डिपार्टमेंट 1 अक्टूबर से BPMO के लिए टैबलेट देगा और अन्य ABPMO के लिए मोबाइल देगा करके, परंतु आज तक कोई जगह में अभी तक वो टैबलेट एक भी दिखा नहीं, सारे मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। उनको ठीक है, उनको स्टेट ऑफ अफेयर्स है, हम लोग का है, हमारा सारे एक से लेके पूरा मुद्दों तक को समाधान चाहिए। हम लोग का बहुत कुछ इश्यूज पेंडिंग है। आज भी GDS एक पैसा ना लेते हुए रिटेट जा रहा है। इसमें हम लोग कोरोना के बाद पहले एक हड़ताल महल बना है, अब इस महल का हम लोग बना के रखे जरूर इस वर्ष में, आगे 2-3 महीने में हम लोग दोबारा इंडपेंडेंस स्ट्राइक जा रहा है। इंडपेंडेंस स्ट्राइक में जरूर हम लोग इस बार यही बोला है, हमारा ऑर्डर होने तक हम लोग विथड्रॉ नहीं करेगा करके, हम लोग 2-3 बार बोल चुका है। अभी डिपार्टमेंट का भी मालूम हो चुका है, अभी कुछ तो करना ही पड़ेगा उनको भी। इसलिए साथियों, आप लोग तैयार होके कल सुबह शांतियुक्त हमारा संघर्ष होता है, शांतियुक्त आप कोई काम करने का जरूरत नहीं। आज भी मुझे 50 ग्रुपों में देखा, सभी स्ट्राइक का पक्ष में डिक्लेरेशन सबमिट किया है, किया ना किया पर तो भी हड़ताल में भाग लेना है। ये कल दिन सुबह से लेके शाम तक हमारा दिन का एक दिन का स्ट्राइक होगा, इधर शांतियुक्त रहेगा।
आप लोग का जानकारी, आप लोग का डिवीजन का, आपका सर्कल का, सर्कल के द्वारा सी एच ओ का आप लोगों भेजने की कोशिश करिए। आप लोग सोशल मीडिया में अब स्थानीय मीडियम के साथ भी संपर्क बना के रखिए। ये करके कल का हड़ताल का सफलता बनाइए, क्योंकि हमारा न्यायोचित मांगों के लेके हमारा तीसरी चरण का आंदोलन कार्यक्रम में, इस आंदोलन कार्यक्रम का कल का एक दिन का हड़ताल में बढ़ चढ़ कर भाग लेने से हमारा इस कार्यक्रम का सफल बनाए, जरूर हम लोग आगे कुछ आने वाला समय में आगे कदम बड़ा कदम रखने वाला है इंडस्ट्री स्ट्राइक का। इससे जरूर सरकार भी बिना कोई वास्तविक के सेटलमेंट कुछ इससे आने वाला इस आंदोलन का रुका नहीं सकता। इससे हम लोग का सेटलमेंट होने तक हम लोग हड़ताल पर हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यही बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। कृपा करके आप लोग सभी सहयोग करिए, इस वीडियो का सारे GDS का भेजिए। मैं यही अपील करता हूँ हड़ताल का शानदार सफलता बनाने का आपका मेरी तरफ से, सभी का AGDS की तरफ से और अन्य GDS JC के तरफ से भी मैं विनम्र निवेदन करते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। GDS एकता का जिंदाबाद, GDS एकता का कायम रखने का कष्ट।